What's up YouTube, this is Abhishek and I'm back with my another video. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है. अब वेट गेन ना होने के पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि हाई मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, हाई एक्टिविटी लेवल और कैलोरीज इनटेक. और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलोरीज इनटेक की. यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको दिन भर में जितना खाना खाना चाहिए वेट गेन करने के लिए, उतनी वो कैलोरीज ही नहीं खाते हैं, उतना खाना ही नहीं खाते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार फूड बताऊंगा जिनको खाकर आप अपनी कैलोरीज का टारगेट इजिली पूरा कर सकते हो और आपको हेल्प मिलेगी वेट गेन में, और स्पेशली ये वेजिटेरियन लोगों के लिए. सबसे पहला फूड आता है आपका स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंदी. अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्वीट पोटैटो मेरा फेवरेट है. इवन जब मैं भी कंपटीशन की प्रैप कर रहा था, जिस टाइम मैं बल्किंग पे था, तो मैंने अप्रॉक्स 5 से 6 किलो वेट गेन किया था, जिसमें शकरकंदी का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले था. और अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो सर्दियों में आपको शकरकंदी आराम से मिल जाएगी. अगर मैं शकरकंदी के मैक्रोस की बात करूँ, अगर आप 200 ग्राम शकरकंदी लेते हो उबली हुई, तो उसके अंदर आपको 180 कैलोरीज मिलेगी, जिसके अंदर आपको 48 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे और 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. सेकेंड ऑप्शन आता है आपका राइस प्लस सोया चंक्स. अब लोग वेट गेन करने के लिए क्या करते हैं, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, वेट गेनर खरीदते हैं, जिसके अंदर कुछ नहीं होता. वेट गेनर के अंदर सिर्फ कार्ब्स होते हैं, और कार्ब्स आपका किचन में इजीली अवेलेबल है. मतलब राइस अगर आप लोगे और सोया चंक्स लोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे पड़ेंगे, बहुत सस्ता पड़ेगा. और आप ट्राई करो कि आप पूरे दिन में एक टाइम सोया चंक्स प्लस राइस खाओ, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वेट गेन में. अगर मैं मैक्रोस की बात करूं, तो आपके 200 ग्राम चावल में, उबले हुए चावल में 216 कैलोरीज मिलेगी, 40 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे और 4.2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. अगर मैं सोया चंक्स की बात करूं, तो 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको 336 कैलोरीज मिलेगी, 33 कार्ब्स मिलेंगे और 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. तीसरी चीज आती है मेरी लिस्ट में, सोयाबीन की दाल. अब मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं, काफी सारे वेजिटेरियन लोग ऐसे हैं जिनकी ये कंप्लेन रहती है कि हमारे पास ज्यादा प्रोटीन के सोर्स नहीं है ज्यादा. मैं आपको सजेस्ट करूंगा सोयाबीन की दाल आप लीजिए, उसको खाइए, डेली बेसिस पे खाइए, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी प्रोटीन की, आपके दिन भर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में. आप इसको रात को भिगो के रख सकते हो और सुबह को इसको खा सकते हो. सोयाबीन दाल की अगर मैं मैक्रोस की बात करूं, अगर आप 200 ग्राम सोयाबीन लेते हो, तो इसके अंदर आपको 180 कैलोरीज मिलेगी, 17 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 25 ग्राम कार्ब्स मिलेगा. फोर्थ एंड लास्ट आता है हमारी लिस्ट में बनाना शेक. अब बहुत सारी अपनी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, काफ़ी सारी रेसिपीज बता चुका हूँ शेक की, जिनको अगर आप पीते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर पाओगे. आपको 2 बनाना लेने हैं, 50 ग्राम ओट्स लेने हैं, 1 स्पून पीनट बटर लेना है, 1 स्पून अगर आपके पास हो पाए तो आप वे प्रोटीन उसमें डाल सकते हो, और 1 गिलास आपको टोंड मिल्क डालना है. जब आप इनको अच्छे से ब्लेंड कर लोगे, मिक्स कर लोगे, तो आपका ये शेक रेडी हो जाएगा. और इस शेक से आपको 210 कैलोरीज मिलेगी, 54 ग्राम कार्ब्स मिलेगा और 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा. ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.